मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार जोरों पर है। रोजाना आप नेताओं की बातें सुनते हैं, उनके वादे सुनते हैं, लेकिन जनता क्या सोचती है, खासकर एक परिवार में चुनाव को लेकर क्या चर्चा चल रही है, यही जानने हम आपको ले आए हैं भोपाल। चलते हैं पाठक परिवार के पास। भोपाल में हम पाठक परिवार के पास पहुंचे हैं और हमारे साथ सुरेंद्रनाथ पाठक हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं और उनका परिवार है, उनके बेटे बिजनेस करते हैं। तो ये कुल मिला के ऐसा परिवार है जिसमें बिजनेसमैन भी हैं और जिसमें रिटायर्ड लोग भी हैं, ब्यूरोक्रेट से लोग हैं। हम आपसे बात करते हैं पाठक जी, आप तो लंबा समय आपने मध्य प्रदेश में ही सेवा में बिताया है, सेवा की है, कितना मध्य प्रदेश पहले कैसा था और बीते 15 साल से जब से शिवराज सिंह चौहान है, बीजेपी की सरकार है, कितना बदला है मध्य प्रदेश? काफ़ी बदलाव तो काफ़ी आया है और प्रगति भी हुई है, और शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में ज़्यादा अच्छा हुआ है। पहले बिजली की समस्या थी, कांग्रेस सरकार में बहुत दिन तक बिजली की समस्या थी, लोग बहुत परेशान थे, घर घर में यहाँ पे इन्वर्टर लगे हुए थे, आज वो स्थिति नहीं है। मैं तो कहता रहा हूँ, आपसे भी कहा है मैंने कि ग्रामीण क्षेत्र में जो करना चाहिए था सरकार, कोई भी सरकार रही हो, जो ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत कमी है, बदला है, मतलब आप लोगों को लग रहा है कि बदल रहा है मध्य प्रदेश, आप लोगों को प्रदेश बदल रहा है? हाँ, प्रदेश तो बदल रहा है, पर बहुत सारी चीजों में परेशानी हुई है। महंगाई काफी बढ़ी है, एजुकेशन बहुत महंगी हो गई है, सरकारी एजुकेशन के नाम पे जीरो है, प्राइवेट एजुकेशन है बहुत महंगी है। बहुत कुछ किया सरकार ने, बदला तो है, जब से मंत्री जी आए हैं तब से बहुत कुछ बदला है। हाँ। और सड़कें वगैरह भी अच्छी हैं और भोपाल बहुत अच्छा है। क्या यूथ के क्या मुद्दे हैं, क्या सोच रहा है यूथ, क्या होना चाहिए मध्य प्रदेश में शिक्षा में, एजुकेशन में, आप लोग और क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, फीस स्ट्रक्चर बदलना चाहिए, क्या है इसको? सेफ्टी शहर में वो कोई मुद्दा नहीं है, सेफ्टी मध्य प्रदेश में कोई मुद्दा नहीं है, आप लोग क्यों? मुद्दा नहीं, मुद्दा तो है, सेफ्टी तो बिल्कुल नहीं है। लड़कियां बाहर निकलती हैं तो गुंडे लोग आते हैं, छेड़ाछाड़ी करते हैं, इसके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, ना उनको कोई सजा दी है। जितने भी मतलब लोग हैं लड़कियों के ऊपर जो भी वो होते हैं, अत्याचार होते हैं, इसी को नहीं तो खड़े होकर चौराहे पे उनको फांसी देना चाहिए। उन्हें सरकार ने इसके लिए कोई नहीं, गुंडे मवाली जितने भी हैं सब मतलब जो है पाल रखे हैं सरकार ने। 15 साल के, चूँकि जब सरकार 15 साल हो गए तो कुछ ना कुछ कमियाँ तो रहती हैं, तो जो छुटभैया नेता थे वो अपने आप को बहुत बड़ा बड़ा नेता समझने लगे। हम लोग मार्केट में काम करते हैं, बढ़ गया नोटबंदी और जीएसटी के बाद में, लेकिन आप ये देखेंगे इनकम टैक्स पेयर्स की कितनी संख्या बढ़ गई, ये जीएसटी और नोटबंदी का ही परिणाम है। इस विधायक जो जिनको टिकट मिली है वो 5 साल में उनके हमें दर्शन नहीं हुए, कभी आए तक नहीं, हमने उनको देखा भी नहीं। जब वो पहली बार उनको टिकट मिली थी तो बड़ी ठीक सिंपल साधारण से थे, अब तो बढ़िया चमक चमक देखिए, चमक गए बढ़िया फर्स्ट क्लास। और अब तो जैसे अभी कैंपेनिंग में निकल भी रहे ना वो, तो उतरते नहीं है गाड़ी से, सीधे निकल जाते हैं। परिवार बात भी जो है पनपा है, अभी कह जरूर रहे हैं कि नहीं देते हैं। पुराने नेता के लड़के को टिकट दे दिया, बात तो वही है, बहू को दे दिया, लड़कों को दे दिया, दूसरे को दे दिया, इनमें नहीं है परिवार बात, बीजेपी में भी है। ठीक है, दोनों पार्टी में अपन देखें कि बीजेपी ज्यादा ठीक है, कांग्रेस थोड़ी कमजोर मतलब दिखती है अभी, पर बातें दोनों पार्टी में ले देंगे वही की वही है। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कौन जीतेगा, ऐसा कोई ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां नई खड़ी हो गई हैं। और एक तो मुझे जो है स्पेशल सरकार से शिकायत है कि ये जो आरक्षण की व्यवस्था है, ये संविधान ने 10 साल के लिए जो बनाई थी, अब उसको उसी को ढोए जा रहे हैं। क्या ब्राह्मण का, ब्राह्मण या दूसरे क्षत्रिय वैश्य जो 3 जातियां हैं इनमें गरीबी नहीं है, इसको जो है जो जातिगत आधार पर जो आरक्षण दे रहे हैं इनको, इस पर
उस पर रखना चाहिए। दोनों में ज्यादा अंतर लगता है या एक जैसी लगती है? और दोनों में आपको सीएम के चेहरे दिखते हैं दोनों पॉलिटिकल पार्टियों में? एक में तो है ही शिवराज लगा, इसमें अभी तो साहब इस बार सीएम तो प्रोजेक्ट ही नहीं किया इनने बीजेपी वालों ने, तो अब जल्दी थोड़ी ये शिवराज जी ही बनेंगे। कांग्रेस टाइम से अभी बीजेपी ने तो ज्यादा अच्छा वर्क किया है ना, कांग्रेस टाइम में तो बिल्कुल ही बेकार वर्क था। जब दिग्विजय सिंह थे तब तो पूरे मध्य प्रदेश को पहले तो जानते नहीं थे लोग बाग मध्य प्रदेश को, जब से शिवराज सिंह आए जब से जानते हैं। अच्छा, कम से कम ये हम अभी गए थे तो ये मान के लिए 20 घंटे वहाँ पे कम से कम लाइट आती है, लाइट की सुविधा इतना फर्क है तो लाइट उसमें संतोष कर सकते हैं। एक काम तो हुआ है, रोड भी अभी हम उदयपुर गए थे तो पूरा जितने भी मंदसौर तक की रोड थी ऐसी सनासन रोड थी। अपन ये तो नहीं कहेंगे कि हमारी रोड यूएसए जैसी है, क्योंकि हम तो गए नहीं, हमने देखी नहीं रोड, लेकिन सुना है कि वहाँ की रोडें अच्छी है। लेकिन अपन को ये है कि जब कुछ भी नहीं है तो कुछ से बेहतर है। डेवलपमेंट तो बहुत हुआ, गरीबों के लिए उनने बहुत किया, लोन दे के मकान बना दिए गांव में, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लोन दे दिया, 1.5 लाख रुपए तक लोन दे दिए और मकान बना दिए जो बेचारे कच्चे मकानों में थे, जगह जगह टॉयलेट्स बन गए, तो ये काम तो बहुत हुआ। तो इसका असर पड़ेगा चुनाव में? चुनाव बिल्कुल पड़ेगा सर। आप कभी पापा से कहते हैं कि आप कम पैसे आप दे रहे हैं जेब खर्च के लिए क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, ज़्यादा दीजिए, क्या कुछ है? महंगाई बढ़ी है या महंगाई कोई मुद्दा है या नहीं है, या ठीक अच्छा लगा भोपाल में पर्याप्त जो आपको मिलता है पैसा पर्याप्त है पॉकेट खर्च के लिए? डैडी थोड़ी कहेंगे तो महंगाई है बेटा, महंगाई जो है इतनी बढ़ा दी है और सरकारी महंगाई ज़्यादा है। नहीं आप देखिए, सरकार ने इतना बैड टैक्स लगा रखा है डीजल पे पेट्रोल के ऊपर। आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं, ये राहुल गांधी है कांग्रेस अध्यक्ष है, क्या बोल रहे हैं? अच्छा आप पहले कहते थे भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जहाँ भी जाते थे भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ, और भ्रष्टाचार शब्द इनके मुंह से नहीं निकलता। आपने नोट किया अब नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के बारे में नहीं बोलता, पता क्यों? क्योंकि चौकीदार अब पूरे देश को मालूम है कि चौकीदार ने 30,000 करोड़ रुपए की चोरी करा दी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश का चौकीदार, और आगे जनता उनकी बात को पूरा कर रही है, आप लोगों का क्या सोचना है? ये राहुल गांधी का कल्पना मतलब जो है कोई उसके तथ्यों का जो है वो नहीं है, बिना तथ्य की बात है। जब कोई रफाल की बात करते हैं वो रफाल का सौदा जो है उसके सारे केस जो है कागजात जो है सुप्रीम कोर्ट में गए, उसकी तथ्य की जांच हो रहे हैं, ये तो बिना तथ्य के बोल रहे हैं, कोई तथ्य नहीं के पास। भरोसा होता है जब राहुल गांधी टीवी पर बोलते हैं? कुछ नहीं, हमको बड़े भरोसा होता है, कुछ आता नहीं। पहले से राहुल गांधी बहुत अच्छा सीख गए, अच्छा पहले बोलता ही नहीं आता था उनको, अब तो बढ़िया बोलने लगे। पहले से काफी कुछ सीख गए हैं वो, ऐसा नहीं है कि काफी सीख गए हैं। नहीं, जैसे मोदी जी को चोर बोल रहे हैं, भ्रष्टाचारी बोल रहे हैं, तो ये इस तरीके की गाली देते हैं वो मोदी जी को, ये गलत। हमारे देश के प्रधानमंत्री, मतलब किसी ने किसी को बोलना चाहिए, देश के आप राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को गाली दो ये कोई अच्छी बात नहीं, तथ्य की बात नहीं। मतलब आप लोगों को लगता है ये नेगेटिव ही जाएगा? हाँ, ये नेगेटिव ही है और इसके बाद जाएगा ही नेगेटिव कि भाई हो सकता है वो भविष्य में प्रधानमंत्री बने, तो वो क्या इसी टाइप की बातें करेंगे? आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग ये सुनती होंगी नेताओं को, अभी राहुल गांधी को सुना, पीएम को भी सुनती हैं, क्या आप लोगों के दिमाग में कुछ चलता है कि नेता लोग ठीक ठाक बोलते हैं सोच समझ के, या क्या सोचते हो आप लोग? नहीं, जिस हिसाब से वो बात करते हैं उस हिसाब से, मतलब they don't sound genuine। जैसे उन्होंने करप्शन की बात करी और डीमोनेटाइजेशन जैसा बिग स्टेप मोदी जी की गवर्नमेंट ही रही, तो अगर उनकी गवर्नमेंट करप्ट होती तो वो डीमोनेटाइजेशन जैसे इतना बिग स्टेप नहीं लेते। राहुल गांधी तो कह रहे रफेल में बड़ा घोटाला किया है मोदी ने, आप लोग क्या सोचते हो? नहीं, ऐसा तो रॉन्ग है, क्योंकि जब उनकी गवर्नमेंट थी तो प्रोग्रेस उनकी गवर्नमेंट से बीजेपी की गवर्नमेंट में कंपेयर करें तो बीजेपी की गवर्नमेंट में ज्यादा प्रोग्रेस। ट्रू, नहीं नहीं ठीक बोल रही है। और बाकी आरक्षण वारक्षण के लिए तो मैं कुछ नहीं लगता। हाँ, जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं तो उसमें रिजर्वेशन का थोड़ा कर देखना चाहिए उनको ना, माथा ऊंचा हो जाता है जहाँ पर। अभी सिंगापुर में जैसे राहुल गांधी जी गए थे, इन्होंने वहाँ पर भी पटांग
बका और ऐसे कई जगह के उल्टा सीधा बोला, जिससे देश की छवि धूमिल होती है। तो उन्हें चाहिए कि एक वेटरन लीडर कांग्रेस का रख लें अपने पास सलाह के लिए और उसकी बात माने और उससे सलाह लें। अब आपको प्रधानमंत्री की बात सुनाते हैं। और जिनको झूठ के सहारे जीना पड़े सम्मान लीजिए कि धरती पर उनके पास जगह बची नहीं है। आए दिन लगातार झूठ बोलो, बार बार बोलो, जहां जाओ वहां बोलो, जो मिले उसको बोलो, यही उन्होंने मंत्र ले लिया है। हमारा मंत्र है सबका साथ सबका विकास, हमारा मंत्र है विकास विकास विकास, और उनका कारोबार है झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो। नहीं सब ठीक है, मतलब जब स्कूल जाते तो रोड्स भी अच्छी बनी हुई है, और अगर जैसे अभी फंक्शन होते हैं रात में आते तो सारी स्ट्रीट लाइट्स भी ऑन रहती हैं, तो सेफ्टी रहती है, सेफ्टी भी रहती है। भोपाल में ही है ना, भोपाल के अलावा बाहर जाके देखो तो पता चलेगा। भोपाल में आप लोग चमक दमक ज्यादा है, शहरी चमक दमक ज्यादा है, शहरी चमक दमक ज्यादा है, पर इसमें भी नहीं है। मध्यम वर्ग के लिए उन्होंने जो है कोई कुछ भी नहीं किया है, तो मध्यम वर्ग परेशान है महंगाई से। तो महंगाई मुद्दा है चुनाव में? हाँ बिल्कुल महंगाई मुद्दा है, एक और चीज बढ़ी है तो एक आम आई भी बढ़ी है। पहले यदि आप देखें तो एक टीचर को 10-12 हजार रुपए मिलते थे, आज की डेट में यदि देखें 10-15 साल के अंदर नहीं वोट जिस जिन मुद्दों के नाम पे इस बार वोट पड़ेंगे मध्य प्रदेश में, लोग आप लोग क्या सोचता है, आपका पाठक जी क्या परिवार सोचता है? हम लोग तो समस्या जो है मध्यम वर्ग बड़े मुद्दे हैं जिन पर वोट होगा। तो यह है कि शिवराज सिंह सरकार जो है वो एक अच्छा काम कर रही है। यदि हमने पहले की सरकारों का विश्लेषण किया हो तो शिवराज सरकार उन सबसे बेहतर है। तो ऐसा लगता है कि 3 बार उनको मौका मिला है और कांग्रेस में अभी उतना दम नहीं है, ऐसा लगता है कि 4थी बार भी शिवराज जी को है ना सरकार बनाने का मौका मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन में तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोड्स वगैरह सब सही है, बट जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें थोड़ा जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके लिए भी कुछ करना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। तो मुद्दे बहुत है मध्य प्रदेश में, बेरोजगारी मुद्दा है, हालांकि लोगों का रोजगार भी मिला है, बहुत सारे मुद्दे बताए हैं पाठक परिवार ने, और उन्होंने अपने घर में जो राजनीतिक चर्चा की है, कुछ खुशी कुछ गम इस तरह की स्थिति है। पाठक परिवार मान रहा है बहुत सारे काम हुए हैं लेकिन उससे भी ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है, और वो भी तेज गति से। तो ये था भोपाल से पाठक परिवार जो अपनी राय रख रहा था मध्य प्रदेश के चुनाव पर। अब हम पाठक परिवार को मिलवाने जा रहे हैं अम्मा जी से। पाठक परिवार के सदस्य भी सवाल पूछ सकते हैं अम्मा जी से, और अम्मा जी की क्या राय है वो क्या पाठक परिवार से कुछ पूछना चाहती हैं वो भी पूछ सकती हैं। तो देखिए पाठक परिवार क्या सवाल पूछता है अम्मा जी से। राम राम भाई, आप सबने अम्मा जी की राम राम है। बढ़िया हो, चलो भाई बढ़िया ही रहो। अम्मा जी नमस्ते। शिवराज जी कहते हैं कि वो हम सबके मामा हैं, आपको क्या लगता है कि वो हमारे मामा हैं या मामू? यह बात तुमने बढ़िया पूछी जी। देखो जी, मामा की बात तो दो लोग ही जाने हैं, या तो मामा या अम्मा, और अम्मा तो मैं हूं ही है? एक पते की बात सुन लो जी, शिवराज सिंह जी की छोड़ दो, तुम अपनी सोचो, मेरी बात ध्यान से सुन लो। राजनीति में वह ही कामयाब बन सके है जो बनाने में अव्वल हो, के ना गलत कह रही हूं है? अम्मा जी नमस्ते, कैसी हैं आप? अभी किसकी सरकार आएगी, शिवराज की आएगी या फिर और किसी की? वाह बेटा वाह, तुमने बड़ी जल्दी और ही नतीजे की है, वोट डाले ना है और सरकार बनाने लग गए तुम है? भाई वोट डालो फिर सरकार बनाने की सोचना है, और एक बात मेरी सुन लो, भूलना मत ना, मतदान जरूर कर दियो है? देखो भाई, पहले मतदान और फिर जलपान, या मत भूलियो।
अम्मा जी नमस्कार, आपसे एक सवाल है कि ये बताइए कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश में मंदिर मंदिर मस्जिद मस्जिद जाते हैं तो वो क्या मांगते होंगे अपने लिए? भाई मैं तो न्यू कहूँ इफ की बार बाकी सात दिन हो जाए, हाँ मांगना तो भैया ही चाहिए उसने है। अब के बेरा के मांग रहे हैं, या तो भगवान ही जाने कि अपनी फटी सी जेब दिखा के न्यू कह रहे हूँ जी मोदी जी ने 15 लाख देने का वादा किया था, तम वोट ही दिलवा दो।